ते हमसे आगे ना होई जोई बके सोची थे बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में और आप देख रहे समय बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में से एक धाम बाबा केदारनाथ जी की आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं श्री केदारनाथ धाम से। और इन दिनों जोर शोर से उत्तराखंड में चारों धामों की यात्राएं श्रद्धालु तीर्थयात्री कर रहे हैं और बाबा जी की सुगमता के साथ बड़ी अच्छे ढंग से सभी को दर्शन हो रहे हैं। हम भी बाबा केदारनाथ की धरती में जैसे आए हमें भी बाबा के दर्शन बड़ी अच्छे तरीके से हुए। यहाँ का जो वातावरण रहा वो बड़ा ही सुंदर रहा। लंबी लंबी लाइनें बाबा केदारनाथ जी के धाम में लग रही हैं और लोग लाइन बनाकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के इन चारों धामों में से बाबा केदारनाथ की भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इतनी इनकी चर्चा हो रही है। बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने का हम सभी को सौभाग्य मिला। बाबा केदारनाथ की अद्भुत जो दृश्य है वह सभी भक्तगण बड़े प्रसन्नता से बाबा के दर्शन कर रहे हैं और 6 महीने बाबा केदारनाथ में ही विराजमान रहेंगे और 6 महीने बाद ओंकारेश्वर मंदिर ऊटीमठ में बाबा के दर्शन होते हैं। ऐसा दिव्य स्थान जहाँ पर पुनः निर्माण की जो कार्यशैली है वह निरंतर आगे बढ़ रही है और बाबा केदारनाथ जी को बड़े भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। बाबा केदारनाथ जी की यात्रा में लोग कुछ तो पैदल चल रहे हैं, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं वह घोड़ा और अनेकों टंडी कंडी का सहारा लेकर हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। इस समय आप केदारेश्वर महादेव में भक्तगणों की अपार जन समूह देख रहे होंगे। ये सभी बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। ठीक है।